हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एट वन क्लिक। और आज के इस वीडियो में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और ये लेक्चर डिजिटल बैंकिंग सीरीज के लेक्चर 9th है। और आज मैं लगभग कुछ थ्योरी लेक्चर अपलोड करूंगा और कुछ एमसीक्यू की लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा कि हाँ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको किस तरह के आते हैं और किस टाइप के आपसे बन रहे हैं कि नहीं, जितने मैंने आपको अभी तक लेक्चर में डिस्कस किया है। ओके फ्रेंड, सबसे पहले चीज़ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है। आप लोगों ने बहुत सारे डिजिटल वॉलेट, मोबाइल वॉलेट को यूज किया होगा, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए। तो ये सारे सी चीज़ जो होते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। प्रीपेड का नाम से आपने सुना, पहले पे किए हैं फिर यूज किए हैं। ओके, तो कुछ होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, फ़ोन ट्रांसफ़र के लिए, ऐसी वॉलेट जो डिजिटल वॉलेट होते हैं उसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जाना था। जो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, इनको रेगुलेट आरबीआई करता है एज पर आरबीआई रेगुलेशन। देखिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, सेमी क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड जो लास्ट होता है ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये मल्टीपर्पज कार्ड भी होता है। पहला क्लोज वॉलेट क्या होता है, क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। आपने देखा होगा, पहले मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ, आप किसी टी ए स्टोर पर गए होंगे, वहाँ से वो एक स्टाम्प टाइप का टोकन देता है और वो सिर्फ उसे शॉप में जाकर आप उससे शॉप से कुछ भी ले सकते हैं। ओके, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हों, मैं ऐसे जगह बता रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा रूरल एरिया हो गांव में जहाँ पर डिजिटली वहाँ पर प्रमोट नहीं किया, डीमोनेटाइजेशन से पहले ऐसा होता था, अभी भी होता है बहुत जगह। तो ये जो क्लोज्ड वॉलेट होता है ये ई कॉमर्स साइट के द्वारा स्पेशली लॉन्च किया जाता है। और वो इसलिए किया जाता है कि आपने कुछ चीज़ शॉपिंग किया है जैसे, और वो आपको पसंद नहीं है, आपको रिटर्न करना है, आपने रिटर्न कर दिया, फिर आप उनसे पैसे मांगते हैं तो वो अपने वॉलेट में ट्रांजेक्ट कर देते हैं और आपको कैश नहीं देते, या फिर दूसरे जिस मोड के थ्रू आपने पे किया तो उसने आपके वॉलेट में मिल जाता है और वो उस वॉलेट से आप उन्हीं के साइट पर रीपर्चेज कर सकते हैं, उसका कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते, दूसरे चीज में यूज नहीं कर सकते। तो क्लोज वॉलेट वैसा ही होता है, जैसे अमेजॉन वॉलेट है, अमेजॉन के साइट पर आप परचेज कर सकते हैं अमेजॉन वॉलेट से, क्लियर ट्रिप वॉलेट है, क्लियर ट्रिप के साइट पर जाकर वहाँ परचेज कर सकते हैं, बिग बास्केट वॉलेट है, यहाँ पर वो आपको कैशबैक भी देते हैं आप, या फिर वॉलेट को रिचार्ज कराते हैं, बोलते हैं कि 10% ऑफ चल रहा है और फिर उन्हीं के साइट पर वो यूज होता है। ओके, आप इस वॉलेट से कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर बात करता हूँ सेमी क्लोज वॉलेट, कुछ ऐसे वॉलेट होते हैं ई कॉमर्स साइट जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, आप वॉलेट में कैश तो लोड कर सकते हैं, यूपीआई थ्रू में कैश लोड कर सकते हैं, मोबाइल पे कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, किसी और टूप से बुक माई शो का भी टिकट बुक कर सकते हैं पेटीएम मोबीक्विक के साथ। तो ये मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी शॉपिंग के लिए अलाउंस देते हैं, शॉपिंग के लिए अलाउ देते हैं, परमिट देते हैं, बट ये कैश विड्रॉल को परमिट नहीं करते हैं। क्लोज्ड एंड सेमी क्लोज वॉलेट कैश विड्रॉल को परमिट नहीं करते हैं। वहीं पर जो ओपन वॉलेट है, ओपन वॉलेट वॉलेट आपको कैश विड्रॉल की परमिशन देते हैं और ओपन वॉलेट के द्वारा आप शॉपिंग कर सकते हैं। ओके, तो ओपन वॉलेट का जो एग्जांपल है मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपए कार्ड। देखिए फ्रेंड सिंपल से, आप क्लोज्ड मतलब एक जगह सीमित रहना है, सेमी ओपन मतलब थोड़ा थोड़ा घूम फिर कर सकते हैं, ओपन मतलब खुला है और कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ओपन में मतलब सब कुछ आता है, सेमी क्लोज में आप कैश नहीं विड्रॉ कर सकते हैं और क्लोज में बस एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर मैं एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करूंगा बहुत जल्द। अब देखिए ये जो प्रीपेड वॉलेट होते हैं इनको आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। जनरली इनको ओपन करने के पहले, बिजनेस लॉन्च करने से पहले लगभग 90-120 डेज पहले देना होता है आरबीआई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को फुलफिल करना पड़ता है। कुछ रूल्स जो हैं देखते हैं, आरबीआई इनको लाइसेंस देता है, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सिस्टम एक्ट 2017 को फॉलो करते हैं, 3 मंथ पहले अप्लाई करना होता है। ओके, आरबीआई प्रोवाइड गाइडलाइंस रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड क्राइटेरिया फॉर ऑपरेशन ऑफ ई वॉलेट। ई वॉलेट के रिगार्डिंग में जो भी क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसके रिगार्डिंग में आरबीआई गाइडलाइन प्रोवाइड किया है। कौन इशू कर सकते हैं, सारे बैंक इशू कर सकते हैं, बैंक परमिट जिनके पास मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो इशू कर सकते हैं, NBFC यूज कर इशू कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी इशूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, आरबीआई के द्वारा जो जारी किया गया ई KYC नॉर्म,
एंड मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल करें, फॉलो करें। सेपरेट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रखना पड़ता है। बैंक एंड एनबीएफसी के पास मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है और आरबीआई के द्वारा टाइम टू टाइम नोटिफाई किया जाता है उसको फुलफिल करना चाहिए। फिर देखिए अदर पर्सन के जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है 2500 लाख है, मतलब कि 25 करोड़ रुपीज है, और मिनिमम पॉजिटिव नेटवर्थ जो है 1 करोड़ रुपीज है, 100 लाख रुपये। और जो कंपनीज हैं वो एफडीआई पॉलिसीज को फुलफिल करती हैं करना होगा जो आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन जारी किया है उसमें। फिर बात आती है सेमी क्लोज कैटेगरी की। कैटेगरी तीन तरह की कैटेगरी है। जो पहला है अप टू 10,000 रुपये की आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सिंपल आप अपना मोबाइल नंबर यूज कर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करके रजिस्टर कर सकते हैं, आपको कोई भी डेटा नहीं मांगी जाएगी, और अप टू 10,000 रुपये ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या फिर शॉपिंग कर सकते हैं। फिर सेकेंड है 10,000 से 50,000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वो वही कर सकते हैं जो पीएमएल रूल 2005 के अंडर में ऑफिशियल जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उसको प्रोवाइड करेंगे। फिर बात आती है थर्ड कैटेगरी में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपीज तक की आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो फुल केवाईसी नॉर्म्स को फुलफिल करेंगे, रिलोडेबल इन नेचर होगा। ओके, ये देखिए रिलोडेबल इन नेचर का मैं मतलब समझाता हूँ। आप देखे होंगे फ्री चार्ज में जब आप कैशबैक मिलता है तो उसकी वैलिडिटी 180 डेज होती है, या फिर बुक माई शो की में जो कूपन आपको मिलता है उसकी वैलिडिटी 180 डेज होती है। ऐसे बहुत सारे वॉलेट होंगे वहाँ पर। तो सेमी क्लोज वॉलेट की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ होती है, और रीलोडेबल मतलब कि आप इसको एक दिन में कम होता है तो उसको यूज कर लें तो आपका जो वॉलेट है फिर से इशू हो जाता है। ओके फ्रेंड, लेकिन अगर आप 6 महीने तक यूज नहीं किए तो आपकी जो कैशबैक हैं, जो भी वॉलेट में पैसे हैं, अमाउंट है, वो पूरी तरह एक्सपायर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। बाय बाय।